Hey, hello, welcome to yet another video of the Chola Dynasty series. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करिकला चोला के बारे में. पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारी बातें की थी अबाउट बैटल्स ग्रेट एनीकट और कुछ उनके बैकग्राउंड के बारे में कि वो कैसे राजा बने, क्या थे, पूरी स्टोरी. मैंने काफ़ी खुश होकर वो वीडियो बनाया था और आपने उतना प्यार भी दिया है वीडियो को और ऐसे ही प्यार देते रहिए, कमेंट्स करते रहिए. और उस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था, इसका पार्ट टू लेकर के आने वाला हूँ मैं. काफ़ी सारी और बैटल्स के बारे में बात करेंगे, ग्रेट एनीकट को थोड़ा डिटेल में जानेंगे. तो इस वीडियो में पार्ट टू के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कुछ और फेमस वॉर्स और ग्रैंड एनीकट को डिटेल में. वीडियो क्रिस्प और ब्रीफ रहेगा, थोड़ा छोटा रखूँगा. तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और बात करते हैं उनके नॉर्दर्न एक्सपीडिशन की, यानी कि कैसे नॉर्थ में उन्होंने अपना परचम जमाया था. तो जब साउथ को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिए और अब उन्हें लगा कि साउथ में अब सब हमारा हो चुका है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना नॉर्थ की तरफ अब बढ़ा जाए और नॉर्थ की तरफ इलाकों को कब्जों में लिया जाए, युद्ध लड़ा जाए और चोला डायनेस्टी को एक नए ऊंचाइयों तक लेके जा सके. तो इसीलिए ये सब ध्यान में रखते हुए वो बढ़े नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ में उन्होंने सबसे पहले किंग वज्रा, जिनका परचम पूरे ईस्ट में रहता था, उन्होंने करिकला चोला को एक पर्ल कैनोपी ट्रिब्यूट में दी, उनके सम्मान में दी. उनका स्वॉर्ड प्ले, यानी कि अगर हम कहा जाए तलवारबाजी के लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, उनका तलवार की धार यानी कि सबसे बेहतरीन द्वारों में से एक, उनके जैसी तलवार की कला में कोई नहीं था, जो कि करिकला चोला के एक एनिमी भी रह चुके थे, उन्होंने उन्हें एक ऑडियंस हॉल पूरा गिफ्ट में दिया. आगे बात करते हैं किंग ऑफ अवंती, उन्होंने उन्हें एक टॉल ब्यूटीफुल आर्क का गेटवे दिया. आर्क यानी कि आप एक कह सकते हो मैच में कैसे एक आर्क बनाते हो, वैसा टाइप एक गेट टाइप कह सकते हो. उनका एक गेट बनाया और ये सारे गेट जो थे वो बने हुए थे सोने और कुछ जवाहरात से, कुछ हीरो से. और उनकी टेक्निक कुछ इस प्रकार की थी कि आज के ज़माने में ह्यूमन के सबसे एक्सेप्शनल स्किल आर्टिस्ट भी ये टेक्निक नहीं जान सकते, ना ही इनका रेप्लिका बना सकते. कुछ इस प्रकार से इन्हें बनाया गया था. तो ये थी पूरी नॉर्थ एक्सपीडिशन की बातें. आगे बढ़ते हैं ग्रैंड एनीकट के बारे में. ग्रैंड एनीकट ये है क्या? तो ग्रैंड एनीकट एक टाइप का रिजर्वायर है, या आप कह सकते हैं एक डैम है, जो करिकला चोला ने कावेरी नदी के ऊपर बनाया था. ग्रैंड एनीकट को कल्लनई भी कहा जाता था और उसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाटर डाइवर्जन या तो फिर वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाटर रेगुलेटर स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड माना जाता है, जो अभी भी यूज में है. यानी कि स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं हुआ है, अभी भी पूरी तरह अच्छी तरीके से फंक्शन कर पा रहा है. आप सोच सकते हो कि क्या टेक्निक से और किस बेहतरीन आर्टिस्टों ने उन्हें वो बनाया था कि आज तक ये ऑपरेशनल है. बाकी आज तो आप जानते ही हो सरकार कैसा काम करती है और किस तरीके से रोड्स बनाती है कि वो ढंग से एक मानसून सीज़न भी नहीं चल सकते. आप ये सोच सकते हो सालों साल, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज ये अच्छी तरीके से मेंटेन रहे. अब ये कल्लनई वो कितना मैसिव डैम था वो बात सुन लेते हैं. 329 मीटर्स यानी कि 1080 फीट लंबा, 20 मीटर यानी कि 60 फीट चौड़ा ये डैम बना हुआ था. चोला के रिकॉर्ड में से हमें पता चलता है कि ये करिकलन चोला ने इसलिए बनाया था कि कावेरी का जो पानी है वो बाहर ना आ जाए, फ्लडिंग ना हो जाए, गांव शहरे जो भी उसके आजू बाजू बने हुए वो तबाह ना हो जाए फ्लड्स के कारण, इसीलिए बनाया था. उस समय ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, इतना कुछ पानी भी नहीं था, लेकिन करिकला चोला विजनरी अपने समय से आगे का सोचते हैं और इसीलिए उन्होंने सोचा था कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये पानी बाहर आ जाए बारिश के वक्त और जो भी गाँव शहर बसे हुए हैं वो सब तबाह हो जाए इस पानी की वजह से. इसलिए उन्होंने ये डैम बनाया जो गर्मियों के समय में पानी स्टोर करने के लिए भी काम आता था, ताकि वहाँ से पानी मिल सके और फ्लडिंग से भी बचाया सके. इसके लिए भी 2-in-1 ये स्ट्रक्चर बनाया गया था.
अब एक बोनस चीज़ की बात करते हैं जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा, करिकलन चोला मणिमंडपम। अब ये क्या है, करिकलन चोलन मणिमंडपम यानी कि एक मेमोरियल हॉल है जो इनके ऑनर में बनाया गया था। डिज़ाइन जो था वो चोला आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया था, और उसका कॉस्ट अगर गिना जाए कि ये कितने रुपए में बनाया होगा तो इसका कॉस्ट है 21 मिलियन रुपीज़, और मिलियन यानी कि 10 लाख होता है, तो आप गिन सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताएं कि 21 मिलियन यानी कि कितने करोड़ रुपीज़ हुए। और इस स्ट्रक्चर में ब्रॉन्ज का पूरा एक स्टैचू बनाया गया है करिकला चोला का। तो ये बोनस फैक्टर शायद ही बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए 21 मिलियन करोड़ इसमें कितना होता है। और दूसरी चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, ग्रेट एनीकट के बारे में लोगों को बताइए। लोगों को पता होना चाहिए, ताजमहल को सब जानते हैं, चार मीनार सब जानते हैं, कुतुब मीनार सब जानते हैं, ग्रैंड एनीकट कौन जानता है। फैलाइए लोगों को, इंडिया हैज़ ग्रैंड एनीकट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्टिल सर्विंग इट्स पर्पस। ऐसा डैम किसी ने नहीं बनाया था, इंडिया में है। आइए लोगों को बताइए, विजिट करें। नहीं, इंडिया में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं, और इसको एक्सप्लोर करेंगे हम हिस्ट्री के थ्रू ही इस चैनल के माध्यम से। जुड़े हमारे चैनल से, शेयर कीजिए लोगों को वीडियो, अवेयर कराइए। चोला डायनेस्टी की ये सीरीज़ का 5th एपिसोड रहा है, 4 एपिसोड पहले और अपलोड कर चुके। अगर आपने नहीं देखा, लाइन वाइज देखिए, क्योंकि मैं सारे किंग्स को कवर कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट किंग टू द लास्ट किंग। इसमें आपको पूरा जर्नी पता चलेगा, हाउ चोला साम्राज्य और चोला किंगडम गॉट इट्स पीक एंड डिक्लाइन, यानी कि कैसे वो महान एक किंगडम बना, महान साम्राज्य बना, और कैसे वो पूरी तरीके से ध्वस्त भी हो गया। सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के माध्यम से और एक सीरीज़ के माध्यम से मिलेगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो कर दीजिए, आपको उसका आईडी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और कंटेंट्स में बनाओ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि देखिए व्यूज़ तो मिल जाते हैं, यूट्यूब व्यूज़ ला देता है, लोगों इंटरेस्टेड है, हिस्ट्री काफ़ी लोगों को पसंद है, तो सजेस्ट कर करके व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन वीडियो में दम है कि नहीं, कंटेंट में दम है कि नहीं, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, ये मुझे पता चलेगा लाइक और कमेंट्स के ज़रिए। भर भर के दीजिए लाइक और कमेंट्स। अभी भी ललित आदित्य वाला वीडियो जो है वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहा है चैनल का, और अभी भी उसमें बेशुमार व्यूज़ और लाइक्स और कमेंट्स आज भी आते रहते हैं। मुझे हर दिन कम से कम 1 या 2 कमेंट तो आ ही जाता है इस वीडियो पे, और लाइक्स तो रोज़ ही खैर बढ़ते ही जाते हैं। 17,500 व्यूज़ क्रॉस कर चुका है वो वीडियो, और मैं आशा करता हूँ उसको और प्यार मिलेगा, और ऐसे ही मेरे बाकी सारे वीडियोस को भी प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और राजा की स्टोरी के साथ, जानते हैं उन्होंने अपने साम्राज्य में, अपने पीरियड में क्या बनाया, किससे युद्ध किया, कितने पोर्शन गवाए, सारी डिटेल्स जानेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।